महाराष्ट्र की सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ को स्पष्ट रूप से कहा कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से राज्य में किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमारे राज्य में किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अमरिंदर सिंह हो या अशोक गहलोत या फिर केरल की विजयन सरकार, किसी ने अब तक ऐसे आंकड़े पेश नहीं किए हैं जो यह बताते हों कि उनके राज्य में कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। यही बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रही कि जिस बात का आंकड़ा वे केंद्र सरकार से मांग रहे हैं वैसा कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र के साथ साझा नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को अपनी सियासत वैसे ही चमकानी है जैसे ऑक्सीजन की कमी का रोना केजरीवाल रोया करते थे। आखिरकार जब उनकी पोल खुली, सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी, तब जाकर केजरीवाल ने अपना रोना गाना बंद किया। असल में राहुल गांधी कांग्रेस के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष रह चुके हैं। वे ट्वीट करते हैं और सरकार को घेरते हैं, लेकिन उनके बस मुद्दे या तो जनता से दूर होते हैं या फिर झूठ पर आधारित होते हैं। ये बात अलग है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जेब में होने के कारण उनका कोई फैक्ट चेक नहीं करता। उनकी ट्वीट पर छेड़छाड़ वाला कंटेंट का लेबल नहीं लगाया जाता। अब उन्हें ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों पर राजनीति खेलनी है। ऑक्सीजन की कमी से हुई हर एक मौत पर उन्हें केंद्र सरकार से आंकड़ा चाहिए, जबकि स्वास्थ्य राज्य का मुद्दा है। राहुल गांधी ने एक खबर ट्वीट की। इस खबर में लिखा था कि केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर राज्यों ने अलग से कोई आंकड़ा नहीं दिया है। अब स्वास्थ्य मुख्यतः राज्य का मुद्दा है। कोरोना के आंकड़े पर संक्रमितों की संख्या, रिकवर होने वालों की संख्या, मृतकों की संख्या, ये सब डेटा राज्य जुटा रहे थे। राज्यों द्वारा ये आंकड़े केंद्र को भेजे जा रहे थे, जिन्हें सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता था। इससे केंद्र सरकार को भी सहूलियत होती है कि किस राज्य में स्थिति गंभीर होने के कारण ज्यादा ध्यान देना है और किस राज्य में प्रबंधन ठीक है तो हस्तक्षेप करने की जरूरत न के बराबर है। राज्यों ने अलग से कोई आंकड़े नहीं दिए का अर्थ राहुल गांधी ने क्या लगाया, अब वो देखिए। उन्होंने इसे ऐसे दिखाया जैसे केंद्र सरकार यह कह रही हो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। अब राज्यों ने बताया ही नहीं तो केंद्र को पता कैसे चलेगा। देश के हर राज्य में स्वास्थ्य मंत्रालय है। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के सहारे अपनी राजनीति चमकाने के जुगत में लगे राहुल गांधी को सवाल राज्यों से पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई आंकड़ा क्यों नहीं दिया। पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस ये तो सत्ता में है या सत्ता की साझेदार है। राहुल गांधी इन पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे कि वो ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा केंद्र को भेजे। अगर केंद्र सरकार को राज्य आज आंकड़े भेज देती है कि कितने मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, सरकार सदन और सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर देगी। जो राज्य बताएंगे सरकार उसे सार्वजनिक कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।